हेलो दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताएं कि आपकी कोई भी वॉशिंग मशीन का अगर पल्सेटर नहीं निकल पा रहा है, पल्सेटर यानी कि ये जो एक तस्तरी होती है नीचे जो घूमती है, वो अगर नहीं निकल पा रही है, जाम हो गई है, या आपको अपनी मशीन साफ़ करनी है तो उसे निकालना होता है तो वो नहीं निकल पा रही है, तो उसे बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे वीडियो में देखिए उसे कैसे निकालते हैं। हाँ ये होता है पल्सेटर, ये हम आराम से इजीली जब आप पेज खोलते हैं तो ऊपर आ जाता है, लेकिन ये आ नहीं रहा है, ये बिल्कुल जंग अंदर जो है पानी का काम होता है पूरी मशीन में, तो ये जंग खा के जो है कभी कभी सील हो जाता है बिल्कुल। तो जब भी हम इसकी मैकेनिकल असेंबली जो इसकी जो चेंज करेंगे तो कोशिश करेंगे इसको निकालने की पहले, और अगर निकल जाए तो ठीक है इजिली, अगर नहीं निकलता तो फिर हमें ये तोड़ के नया लगाना पड़ेगा। जी बाकी इसको निकालने के लिए इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी केमिकल टाइप का, तेजाब या एसिड टाइप का कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका हार्पिक हो गया या आपका नॉर्मली घर में तेजाब वगैरह पड़ा हुआ है या एसिड कोई भी पड़ा हुआ है तो उसको आप डालेंगे तो वो जंग निकालने का कुछ भी हो सकता है। एक बार वो भी ट्राई कर सकते हैं, अगर उससे निकल जाए तो ईजिली बहुत अच्छी बात है, ये बच जाएगा, नहीं तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार तो तोड़ना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, इंजीनियर के अनुसार हमने इसमें हार्पिक भर दिया पूरा ऊपर तक, ताकि अच्छे से इसका जो भी जंग लगा है वो कट जाए और ये आराम से बाहर निकले बिना तोड़ा फोड़ी करे। तो चलिए अब देखते हैं एक दो दिन बाद क्या होता है जब सामान आता है। तो ये हार्पिक डाल दिया था सुबह मैंने और रात भर में, अभी मैं आया हूँ शाम में, तब देखिए ये देखते निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये ओके, तो ये देखिए आराम से निकल गया है, वाओ दैट्स गुड, मतलब इंजीनियर निकालो ऐसे। यहाँ पे काफ़ी नुकसान दे है, देखिए टपक रहा है नीचे, मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ, इसको हम साफ़ कर देंगे। तो देखें नीचे क्या था, ओके अच्छा, तो ये है इसका, तो आई थिंक ये एक गरारी जो है ये पेज से फंस गए होंगे, जंग लग गई होगी, पर फिलहाल जंग नहीं निकल रही है क्योंकि यहाँ पे इसे साफ़ करें। तो इसको ना काफ़ी पावरफुल होता है आप, एक तो इसको आप कपड़े से पोंछ लें, मैं इसको पोंछ के इसे साफ़ कर देता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली आप अच्छे समझ गए हो कि आपकी वॉशिंग मशीन का पल्सेटर आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करते हैं आप सब आसानी से निकाल सकें, आपका गैस ही निकल जाए इस प्रोसेस से। सो दोस्तों, वीडियोस बहुत सारे आ चुके हैं सैमसंग वॉशिंग मशीन के, तो देख लीजिए, हो सकता है कोई आपके काम का हो, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए जो आइकन आ रहा है, यहाँ से आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं, अगर नीचे सब्सक्राइब बटन जो लिखा हुआ दिख रहा है रेड कलर का है तो उसे दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे क्योंकि सैमसंग की और कई सारे धमाकेदार वीडियोस मैं ला रहा हूँ बैक टू बैक, तो ज्वाइन कर लीजिए और एन्जॉय कीजिए, और यहाँ क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हो सकता है वीडियो आपके काम का निकले।